तो क्या अगर आप लोग भी गेम ऑफ थ्रोन्स को देखने के बाद उसके जैसी और सीरीज को देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ 7 ऐसी सीरीज को जो गेम ऑफ थ्रोन्स वाला वाइब देगी और इन सबके अंदर पॉलिटिक्स, बैटल सीन्स, अच्छा ग्राफिक्स और न्यूडिटी भर के पड़ी है और सबकी सब सीरीज की रेटिंग भी बहुत अच्छी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। फोर्टीन सेंचुरी में इंग्लिश आर्मी के द्वारा आउटलॉ डिक्लेयर करने के बाद रॉबर्ट द ब्रूस जो कि एक स्कॉटिश सोल्जर है वो अपनी एक स्कॉटिश आर्मी को तैयार करता है और बाद में वो कैसे अपने से बहुत बड़ी और बेटर हथियार से भरी पड़ी इंग्लिश आर्मी का सामना करता है ये इस मूवी के अंदर बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। ये पूरी मूवी एक ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है और इस मूवी में आपको भर भर के बैटल सीन्स और बोल्ड सीन्स देखने को मिल जाएंगे। ये मूवी का नाम है आउटलॉ किंग जो आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी जिसकी आईएमडीबी रेटिंग है 6.9। ये एक हिस्ट्री ड्रामा फिल्म है जो कि 14 सेंचुरी को फीचर करती है। कहानी जिम नाम के एक सोल्जर के आसपास घूमती रहती है जो अपने दोस्त जैक्स पर अपनी वाइफ पर बलात्कार करने का आरोप लगाता है। उस समय के नियमों के अनुसार सच्चाई जानने के लिए दोनों के बीच में ट्रायल बाय कॉम्बैट होता है। हारने वाले को मौत का सामना करना पड़ेगा और अगर जिन हार जाता है तो उसकी वाइफ को झूठा आरोप लगाने के लिए चला दिया जाएगा। यह फिल्म खास है क्योंकि कहानी को 3 अलग अलग नजरिए से दिखाया गया है। इस कहानी के अंदर भर भर के वायलेंस और पड़ी है तो मैं कहता हूँ कि पकड़ ही देखना। अगेन ये एक ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है। इस मूवी का नाम है द लास्ट ड्यूल और इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 7.4 और ये किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं मिलेगी तो इसको देखने के लिए आपको इंटरनेट की शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब अगली सीरीज है मार्को पोलो। ये सीरीज 13 सेंचुरी के चाइना रीजन को फीचर करती है जिसके अंदर मुगल एम्पायर का किंग कुबलाई खान और उसके राइवल की कहानी को दिखाया गया है। अगेन ये एक ब्रूटल सीन से भरी पड़ी और हैवी पॉलिटिशियन ट्विस्ट और टर्न्स और भरपूर सीरीज है ये। इस सीरीज को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया है। इसकी 2 सीजन अभी तक आ गई है जो आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएंगी और इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 8। गाइज अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स के बाद कोई सीरीज देखना चाहते हो तो मैं कहता हूँ कि मार्को पोलो आपके लिए बेस्ट सीरीज रहेगी। अगर आपको ब्रूटल एक्शन सीन से भरी हुई और अच्छे सिनेमेटोग्राफी वाली सीरीज देखनी है तो इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस मत करना। इस सीरीज के अंदर आपको इपिक्लेस देखने को मिलेगा रोमन एम्पायर और जर्मन ट्राइब के बीच का। मूवी के एक्शन सीक्वेंस की बात करें तो भाई आपके दिल को सुकून मिलेगा ऐसे ऐसे सीरीज के अंदर है। लेकिन अगर आप जीओटी की तरह साथ में न्यू देखना भी पसंद करते हो तो ये सीरीज उस सेक्शन के अंदर शायद आपको डिसअपॉइंट करती हुई नजर आएगी लेकिन सीरीज के अंदर दम जरूर है। इस सीरीज का नाम है बारबेरियंस जिसकी आईएमडीबी रेटिंग है 7.2 और ये आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। और भाई साहब अब ये सीरीज तो जीओटी को डायरेक्ट टक्कर दे रही है। लाजवाब एक्शन सीन्स, पॉलिटिकल ड्रामा और बोल्ड सीन्स से भरी हुई इस सीरीज का नाम है स्पार्टाकस। अगर आपने वो रोमन एम्पायर की 300 मूवीज को देखा है तो उसी का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। लेकिन भाई साहब क्या चीज बनाई है। बस एक ही दिक्कत है कि इस सीरीज को आप किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख नहीं सकते तो इसको देखने के लिए आपको इंटरनेट की शक्ति का उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन भाई वर्थ टू वॉच है। क्या सीरीज बनाई। इस सीरीज का नाम स्पार्टाकस है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.5। मुझे पता है कि आप में से कई सारे लोगों ने अभी तक इस सीरीज को देख लिया होगा लेकिन जिसने नहीं देखा है मैं उसके लिए बता दूं कि अगर आपने जीओटी देखी है तो उसके अंदर एक हाउस ऑफ टारगेरियन नाम का जो किंगडम था उसी की कहानी को इसके अंदर फीचर किया गया है। इसके अंदर डिनारियस टारगेरियन के बर्थ से लगभग 172 ईयर्स पहले की कहानी को फीचर किया गया है। अगर आप जीओटी के फैन हो तो इस सीरीज को अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाओगे। इस सीरीज का नाम है द हाउस ऑफ द ड्रैगन्स। इस सीरीज को 3.5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने 8.4 की रेटिंग दी है और ये आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। और भाई अगली सीरीज के बारे में बात करें तो भाई इसके अंदर एक बंदे की जर्नी को दिखाया गया है जिसको वाइकिंग्स ने पाला पोसा है। अब वो जैसे जैसे बड़ा होता है और एक ग्रेट वॉरियर बनता है वो डिसाइड करता है कि वो अपने बर्थ राइट को वापस लेके रहेगा। ये सीरीज फॉर श्योर वन ऑफ द बेस्ट हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज ऑन द नेटफ्लिक्स है और जिसको भी भाई हिस्ट्री सागा पसंद है उसके लिए तो ये अमृत समान है। इस सीरीज का नाम है द लास्ट किंगडम। मॉडरेट न्यू और 8.5 की रेटिंग के साथ ये आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। टाइम ट्रैवल जो कि हमेशा से एक हॉट टॉपिक रहा है उस पर वीडियो तैयार है। आप यहाँ पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय।